श्री 84 कोश ब्रजमंडल धाम की, श्री पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़े की, परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की, उनके निकुंज प्रवेश महामहोत्सव की, सब संतन की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री महंत मदन मोहन दास जी महाराज की, सब विप्रन की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राम। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री धीर समीर कुंज बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय श्री नाम रूप लीला धाम निष्ठ अनंत श्री समलंकृत श्री महंत साकेतवासी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के पावन तिरोभाव महोत्सव के उपलक्ष में, ये कौन सा वर्ष है? 16वां वर्ष है। 16वें वर्ष में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्सव हो रहा है। श्री मदन मोहन दास जी श्रीमद् भागवत जी की कथा कर रहे हैं। आज 5वां दिन है और श्री राम मंत्र राज का अनुष्ठान भी चल रहा है, श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ भी चल रहा है, ब्राह्मणों के संतों के दर्शन हो रहे हैं और इस समय हम जड़कोर गोधाम में निवास कर रहे हैं 2 महीने के लिए। तो लगभग वहां से 1:30 बजे के करीब वहां से निकले हैं और अब यहाँ से फिर वहाँ वहीं पहुँचना है, फिर कल यहीं आना है। पर यहाँ श्री राधा केली कुंज में भी दिव्य संतों का दर्शन करके सत्संग का सुख प्राप्त करके बहुत सुख मिला और यहाँ बैठ करके भी श्री यमुना जी के दर्शन का जो सुख है वो पूरे वृंदावन में जैसा यमुना जी का दर्शन धीर समीर कुंज में है एकदम साक्षात यमुना जी का दर्शन। यमुना जी सुनती हैं आप, ठाकुर जी यमुना जी को देखते रहते हो, यमुना जी ठाकुर जी को देखती रहती। पूज्य श्री महंत जी महाराज परम पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज स्वयं शरीर से भी ब्रजवासी थे और बहुत समय तक रामलीला में अभिनय भी किया हुआ, तो लीला प्रेमी थे। यहाँ अखाड़े में महंत पद पर विराजमान हुए, उसके बाद बहुत बड़े बड़े प्रलोभन आए, अहमदाबाद में स्थान मिला, वहाँ आ जाओ, वहाँ दुकानें ले लो, बाजार बन जाएगा, बहुत आमदनी हो जाएगी, पर कोई भी प्रलोभन उन्हें डिगा नहीं पाया। बोले हम यहीं धीर समीर कुंज में ठीक हैं, पुराना स्थान था, अपने ढंग की बहुत सीमित व्यवस्था थी और अपने स्वरूप में अपनी धुन में निरंतर मस्त रहते थे। उनकी नाम निष्ठा, उनकी स्वरूप निष्ठा, उनकी लीला निष्ठा और उनकी धाम निष्ठा, चारों निष्ठाएं उनमें परिपूर्ण थी। धाम से बाहर जाते नहीं और 2 घंटे कीर्तन करते थे सवेरे ठीक चार बजे यही उनकी कोठरी थी, यमुना जी का दर्शन होता, यमुना जी की तरफ मुंह करके बैठ जाते, महामंत्र का कीर्तन कर झाल बजा के, और जब तक कीर्तन करते तब तक रोते रहते थे और कीर्तन के बाद क्या कहते थे
हे श्री यमुना जी, एक पतित वृंदावन में पड़ा है, इसकी भी शुद्ध श्याम सुंदर से करा दे। श्याम सुंदर को इस पतित की शुद्ध करा दे। ये रोज कहते थे। हमारी वृंदावन में कहीं कथा होती तो एक दिन जरूर जाते थे कथा में। एक माला पहनाते, एक पटका उड़ाते, कुछ भेंट भी देते। अब बैठते और कोई सा प्रसंग चल रहा हो कथा में, जब तक कथा श्रवण करने बैठते तब तक लगातार उनके अश्रुपात होता है। ये तो उनका रसमय स्वरूप था। और वैसे अखाड़ मल्ल थे, अतीत थे, इसलिए अखाड़े की भाषा भी, जब पंच पंचायत होती तो स्वरूप उनका, पर वो स्वरूप नहीं दिखा, वहाँ अखाड़े का स्वरूप दिखाई पड़ता था। खाक चौक में जाते तो कहते, राम जी बहुत दिन तक वनवासी रहे, अब राम जी का वनवास पूरा हो गया, अब राज्याभिषेक हो गया, राजतिलक हो गया। क्योंकि पहले महाराज जी एकदम त्यागी साई सेवा थी, फिर बहुत पोशाकें बन गई, नई नई मुकुट, नई नई पोशाक, और हम फिर पत्रावली उनके कपोलों पर बनाते, तो कहते अब ठाकुर जी का राज्याभिषेक हो गया। दर्शन करके एकदम गदगद होते रहते। ऐसे महान संत की स्मृति में बैठना, यह अपने आप में बहुत ऊंची बात है। शकुंतला माता जी बहुत भाग्यशालिनी है, यद्यपि इनके स्वास्थ्य को देखकर ये थोड़े कम अनुमति देते हैं, पर इनको, इनका उत्तम स्वास्थ्य तो वृंदावन में सत्संग प्राप्त करके ही होता है। तो माता जी भी भाग्यशाली हैं और इनके पुत्र और पूरा परिवार भाग्यशाली है कि सब वृंदावन से जुड़े हैं, सब संतों से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं। मानव जन्म का फल यही है। तो अभी राधा रसकेली कुंज में भी सत्संग हुआ, अब यहाँ अब अधिक समय भूमिका में न लेते हुए पूज्य श्री महाराज जी को प्रणाम करते हैं, जिनका यह पावन उत्सव है। अब वो यमुना जी से कहते थे कि एक पतित वृंदावन में पड़ा है, इसकी शुद्ध श्याम सुंदर से करा देना। तो महाराज जी तो यमुना जी ने वहीं पहुंचा दिए उनको। ठाकुर जी धीर समीर बिहारिणी बिहारी जी के चरणों में हैं। अब हम महाराज जी से प्रार्थना कर दें कि हम सब की शुद्ध श्री नित्य गोलोक बिहारिणी बिहारी जी को करा दें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। और अब भागवत जी की कथा तो मदन मोहन दास जी कह रहे हैं, वो कथा तो हम नहीं कहेंगे। हम विनय पत्रिका का क्रम चल रहा है, इसलिए एक पद विनय पत्रिका का बोल करके वाणी को बुलाएं। हरि शरणम, 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 गुरु 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 शरणम, गुरु
31वें पद तक की चर्चा हो चुकी है। आज पद संख्या 232 है। दीन बंधु दूसरो कहां पार, दीन बंधु दूसरो कहां पार, दीन बंधु दूसरो कहां Oh.
अभी जिन पदों का हम स्मरण कर चुके हैं उनमें लगातार कई पदों में गोस्वामी तुलसीदास जी की असाधारण दीनता अद्भुत पद है। 226वें पद में भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम कलप तरु कलि कल्याण करो। इसमें गोस्वामी जी ने कहा, चाटत रहो स्वान पातर ज्यों कबो न पेट भरो, सो हो सुमिरत नाम सुधारस पेखत परसु धरो।
ये भी गोस्वामी जी की दीनता ही। फिर उसके बाद गोस्वामी जी ने 227वें पद में अपने प्राणाराध्य से कहा कि और लोगों का कल्याण किसी किसी साधन के आश्रय से होता हो जाए, उनकी पात्रता है, उनकी योग्यता है, पर इस दीनहीन तुलसी को तो एक ही बात समझ में आती है, यह तो कैसे भी बस जीवा से राम राम करता रहे, इसी में इसका कल्याण। ये बात मेरी अच्छी प्रकार से समझ में आ चुकी है। हमारे जितने साथी हैं, चाहे इस शरीर के संबंध से हों, जिन्हें स्वार्थ संबंध कहते हैं, शरीर संसार का संबंध जो है ना, वो स्वार्थ का संबंध है। जो स्वार्थ का संबंध मानते हैं, उनसे भी हम यही कहते हैं कि भाई मेरा अपना कल्याण तो केवल राम नाम से ही होगा, इसलिए मैं केवल राम नाम का ही आश्रय रखता हूं और साधनांतर का आश्रय नहीं होता। कुछ ऐसे संबंधी भी होते हैं जिनका संबंध स्वार्थ जगत से नहीं है, विशुद्ध परमार्थिक जगत से संबंध है, संत सद्गुरु। उन संत सद्गुरु के चरणों में भी मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, आप तो बड़े दयालु हैं, आप अनेक साधन बता सकते हैं, बताते हैं, आप में वो सामर्थ्य है, आप कृपा कर सकते हैं, अनेक कल्याण के मार्ग दिखा सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है, पर आपके चरणों में भी हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमको राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी सूझता नहीं है, क्योंकि मोही तो सावन के अंधेजों सूझत रंग। मैं अपनी भुजाएं उठा करके कहता हूं, मुझसे जिसका किसी भी प्रकार का संबंध है, स्वार्थ का संबंध है, परमार्थ का संबंध है, भाई मुझसे दूसरी बात मत कहो राम नाम के अतिरिक्त, मेरा कल्याण तो श्री राम नाम से ही हो रहा है, होगा, हुआ है। देखो, मैं जो यहां तक पहुंचा हूं प्रभु आपके दरबार तक, उसमें केवल आपका पतित पावन नाम ही कारण है। जब मैं नाम से विमुख था तो एक एक कण के लिए बिललाता हुआ विमुख की तरह भटकता था, मेरी छाया से भी लोग घबराते थे, लेकिन सदगुरु भगवान स्वामी नरहरानंदाचार्य जी ने नाम का उपदेश कर दिया, कहा बच्चा राम राम कहो, तुम्हारा नाम तो राम बोला ही है, अब तुम राम राम बोलो, राम राम कहो। जब से राम राम करने लग गया, तब से तुम देखो हमारी अवस्था क्या हो गई। भाई जिसका जिस साधन से हित होता है वो तो उसी का तो गुणगान करेगा, उसी की प्रशंसा करेगा, मैं दूसरे की बात नहीं कर सकता। इसमें भी बड़ी भारी दीनता तुलसीदास जी ने दिखाई है। और अंत में यहां तक कह दिया कि जब कोई व्यक्ति गांठ बांधता है तो उसमें कई बार लपेटे देता है, तो लपेटे चाहे जितने हों पर गांठ तो एक ही होती है, पक्की गांठ जो होती है ना, कसकी गांठ, कड़ी गांठ, वो एक ही होती है, लपेटे चाहे जो कहो, एक ही गांठ की बात, पक्की बात एक ही है कि अब तक जिस किसी भी जीव का परम कल्याण हुआ है राम नाम से, हो रहा है तो राम नाम से, होगा तो भी राम नाम से ही। इसलिए राम नाम को छोड़कर मुझे कोई दूसरा कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, कुछ समझ में नहीं आता। और महाराज जी 228वें पद में तो गोस्वामी जी ने यहां तक कह दिया, ये सब हो चुके हैं पद विस्तार से, लेकिन केवल एक प्रसंग का क्रम याद रहे इसके लिए
एक एक वाक्य कह रहे हैं। वे कहते हैं मैं तो नाम प्रेमी उसे मानता हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं नाम प्रेमी उसे मानता हूं जिससे कोई ये कह दे कि देखो तुम रो रहे हो, विकल हो, व्याकुल हो, भगवान के दर्शन के लिए, राम जी की प्राप्ति के लिए, तो चलो हम बोलते हैं तुमको राम जी मिल जाएंगे, राम जी मिल जाएंगे तुमको, क्योंकि सब साधनों का फल भगवत प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम करा देंगे, तुम्हारी गोद में राम जी को बिठा देंगे, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं। एक बात माननी पड़ेगी, ये जो राम राम कर रहे हो ये छोड़ दो, राम जी की प्राप्ति हम करा देंगे, राम जी को गोद में बिठा देंगे, पर राम राम करना छोड़ दो। तो जो रो करके ये कह दे कि राम जी दर्शन दें चाहे न दें, प्राण भले ही छूट जाए पर राम नाम नहीं छूट सकता, मैं उसे नाम प्रेमी मानता हूं। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलि कालहु आदि मध्य परिणाम। ऐसी नाम निष्ठा जिसके भीतर है, ऐसी नाम प्रीति जिस भाग्यशाली के हृदय में है, उसका आदि में भी भला, उसका मध्य में भी भला और उसका अंत में भी भला होगा, इसमें संदेह नहीं। और फिर बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं, बाल्मीक कौन से साधन की योग्यता रखते थे, अजामिल अपने कर्मों से इतना अधिक नीचे गिर चुका था कि वो स्वयं कहता है ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने अपने ब्रह्मत्व का विनाश कर दिया, कुछ नहीं चला। महाराज जी, ब्रह्म हत्या महापाप है, बहुत ध्यान से सुने, किसी ब्राह्मण को मार देना ब्रह्म हत्या नहीं है। फिर से सुन लो, हमारे अयोध्या के वेदाचार्य जी बैठे हैं, बहुत बड़े विद्वान, राजगोपाल संस्कृत महाविद्यालय जो प्रथम श्रेणी का अयोध्या जी में, उसमें आप वेद विभाग अध्यक्ष रहे, इसमें जड़कोर में छात्रमास कर रहे हैं, उधर विराजे नीचे, हम तो कहते थे इधर बैठ जाओ पर वो ही बैठ गए, चलो कोई बात। ब्राह्मण का वध ब्रह्म हत्या, इसका हम ये नहीं, ये मतलब नहीं कि ब्रह्म हत्या नहीं है, वो भी ब्रह्म हत्या है, पर वही ब्रह्म हत्या नहीं है, भगवान ने कृपा पूर्वक हमें ब्राह्मण कुल में जन्म दिया और जो काम ब्राह्मण को नहीं करने चाहिए वो काम हमने किए और हमने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया, तो अपने ब्रह्मत्व का नाश यदि हमने कर दिया तो ये हमारे द्वारा ब्रह्म हत्या हुई, क्योंकि बहुत समझ में आई बात की नहीं है, भगवान ने हमको ब्राह्मण बनाया, अब ब्राह्मण को यज्ञों को भी धारण करना चाहिए, नहीं किया, चोटी रखानी चाहिए, नहीं रखाई, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, नहीं किया, जो वस्तु नहीं खानी चाहिए वो खाई, जो वस्तु नहीं पीनी चाहिए वो पी, जो काम नहीं करना चाहिए वो काम किया, हमने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया। तो भगवान ने हमें ब्राह्मण कुल में पैदा किया था और हमने अपने दुष्कर्मों से ब्रह्मत्व का नाश कर दिया, तो ये मेरे द्वारा ब्रह्म हत्या हुई। यही बात अजामिल कह रहा है, ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया, जो ब्रह्मत्व का नाश ब्रह्म हत्या से भी बड़ा था। फिर पुराणों में लिखा है
10 ब्रह्म हत्याओं के बराबर पाप होता है एक स्त्री की हत्या का, 10 ब्रह्म हत्याओं के बराबर पाप है स्त्री का वध करने का, किसी भी जाति की स्त्री, स्त्री का वध करने का पाप 10 ब्रह्म हत्या के समान है। स्त्री का वध नहीं किया जाता, स्त्री दया की पात्र होती है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। अजामल के दुष्कर्म के कारण उसकी सती साध्वी पत्नी मर गई, तो जिस अजामल के पाप के कारण वो मरी उस शराबी कबाबी हो गया, वेश्यागामी हो गया, उसी गम में वो मरी, तो स्त्री हत्या का पाप उसे लगा। माता पिता उसी के इस अपराध के गम में मरे, कह रहे मेरा बेटा ऐसा कलंकी हो गया, एक ही पुत्र था, इससे अच्छा तो मैं पुत्र ही रहता तो ठीक था, तो मातृ हत्या पितृ हत्या का पाप भी लगा। कुल खानदान में कोई रहा नहीं, गोत्र हत्या का पाप भी लगा। वेश्यागमन का पाप तो है ही, कौन सा ऐसा साधन बचा था अजामिल के जीवन में जिससे उसके पापों का प्रायश्चित हो सकता था, उसका कल्याण हो सकता था? केवल नामाभास से अजामिल का कल्याण हो गया, उल्टे नाम से वाल्मीकि का कल्याण हो गया। इतने बड़े उदाहरणों के होते हुए भी यदि कोई श्री राम नाम में प्रेम नहीं करता है तो उससे बड़ा भाग्यहीन इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं। वाल्मीकि अजामिल के कछु तो न साधन सामो, उलटे पलटे नाम महातम गुंजन जितो लला, प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। इन महानुभावों ने गुंगची गुंजा, गुंगची जिसको कहते हैं, गुंगची के बदले इन्होंने हीरों का सौदा कर लिया। बोलो गुंगची जानते ना, ब्रज में चिरबट्टी, चिरबट्टी कहते हैं नहीं, चिरबट्टी बोलते हैं। गुंगची संस्कृत में गुंजा कहते हैं, देखा होगा मासा हम सुनार लोग रखते हैं सोना तोलने के लिए, मासा रत्ती एक तरफ काला होता है एक तरफ लाल होता है, कसौटी अलग होती है, तो गुंगची उसकी कोई बहुत कीमत नहीं होती, आप तो जानते होंगे उसकी कोई कीमत नहीं होती, ऐसे ही पेड़ में लग जाती फली में ले आते हैं लोग। और गुंजा में लाल का सौदा करना, मणियों का सौदा कर लेना, कले ये तो ऐसा हो गया इनका कल्याण जैसे गुंगचियों में इन्होंने अमूल्य कोहनीरों का सौदा कर लिया। राम जी की जहां इच्छा हुआ घूमे फिरे मस्त रहे, हमें जरूरत नहीं राम जी का, क्यों इतने हल्के का लेके हम करेंगे क्या, ये बहुत हल्के हैं। राम ते अधिक नाम कर तब, राम ते अधिक नाम कर तब जेहि किए नगरगत गाम, भय बजाई दाहिने जो तुलसीदास से बाम। यहां गोस्वामी जी करें कि हम तो इतने उल्टे हैं कि अजामिल और वाल्मीकि भी हमसे बहुत अच्छे, ये है उनकी दीनता। मेरे जैसे उल्टे रास्ते पर चलने वाले आज ऐसे हो गए, लोग उसको भगत कहने लग गए, साधु कहने लग गए,
तो भैया हमें तो फायदा राम राम से हुआ, हम तो राम राम करें। और ऐसे पवित्र राम नाम को छोड़ करके यदि मैं और कुछ बोलूं, मैं ये कहूं कि मैं राम जी को छोड़कर उनके पवित्र नाम को छोड़कर और किसी का हूं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम तो तुम्हारे टुकड़े खाकर जी रहे हैं। हे प्रभु, यदि मैं तनिक भी कपट तुमसे करता हूं तो करोड़ करोड़ कल्प तक नरक का कीड़ा बनूं, मेरा कभी उद्धार ना हो। यदि मैं कपट रखता हूं, कपट करता हूं, हे नाथ, हमारा प्राण सर्वस्व, हमारा जीवन सर्वस्व तो आपका पवित्र नाम है। और अब इसके आगे के पद में गोस्वामी जी ने कहा, जीवों का अकारण है तैसी यदि कोई है तो वो कौन है, आपके अलावा कोई नहीं। इसलिए भगवान, अब मेरी स्थिति तो ऐसी है कि मैं अब आप भले ही हमारी इस मेरे गिड़गिड़ानों को सुन करके, मेरे करुण क्रंदन को सुन करके आप भले ही ऊब गए हों, अरे भाई काय काय कर रहे, कितने समय से परेशान कर रहे हो, बहुत विनय कर लिया, अब मत सुनाओ। ऐसा होता है ना, कोई लगातार आपके पीछे पड़ जाए तो उपज क्रोध ज्ञानन के ही। पर गोस्वामी जी कहते महाराज, चाहे रीझ हो चाहे खीझ हो, हम मजबूर हैं, हम क्या कहें, क्यों बहुत कुछ कहने को है, कहीं जाके कहो हमने कोई ठेका ले रखा है तुम्हारे, लोग कहते हैं हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या। गोस्वामी जी कहते हैं, दीन बंधु दूसरो कहां पाव, दीनों से प्रेम करने वाला आपके जैसा दीन बंधु मैं और कहां जाकर खोजूं। हमें तो आपके जैसे दीन बंधु आप ही दिखाई पड़ते हैं। हाँ, हमारी शक्ति तो अल्प ही है, हमको खोजने को कहेंगे तो हमारे तो जहां तक हमारी शक्ति थी हमने खोजा, हमको नहीं मिला। आपको अपने जैसा दीनों पर कृपा करुणा करने वाला, दया करने वाला, दीनों का अकारण है तैसी दीन बंधु, आपको अपने जैसा कोई दूसरा भी मिल गया हो, टकरा गया हो, तो आप हमको बता दीजिए। भगवान सर्वसमर्थ हैं, पर अपने जैसा दूसरा मिलाने में समर्थ नहीं। ठाकुर जी सर्वसमर्थ हैं, पर उनसे कहो कि अपने जैसा दूसरा प्रस्तुत कर दो, बोले नहीं, आप सरिस खोजो कहां जाई, अपने जैसा कहां खोजूं। तो जब एकमात्र दीन बंधु आप ही हैं तो मैं अपना दुखड़ा रोऊं तो किसके आगे रोऊं, आपके आगे न रोऊं तो किसके आगे रोऊं, क्योंकि को तुम बिनु पर पीर पाए। दूसरी की पीड़ा से पीड़ित होने वाला आपके जैसा और कौन है। भैया केवल दो ही ऐसे महाराज जी, या तो श्री ठाकुर जी या ठाकुर जी के प्राण प्यारे संत। निज पर ताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता।
संत हृदय नवनीत समाना, कहो कविन पर कहो न जाना, निज पर ताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुखनीता। इसलिए अपने मन का दुखड़ा किसी के आगे मत रो, ये हैं फिर किसके आगे रोते हो भाई? या तो इनको नहीं मानते हो, फिर रो कहीं भी जाके रो। यदि इनका अस्तित्व मानते हो तो जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। वो काला धागा बांध देगा, वो लाल धागा बांध देगा, वो ताबीज बांध देगा, वो गंडा बांध देगा, वो अंगूठी पहना देगा, उससे काम किसी से काम आम बनने वाला नहीं। संतोष के लिए कुछ भी कर लो, यहाँ काम नहीं बनेगा तो दुनिया में कहीं काम नहीं बनेगा। कहाँ जाओगे भाई? ताली वाली मत बजाओ, केवल सुनो। ताली बजाओगे बात उड़ जाएगी, कहाँ की कहाँ पता नहीं। तुम ताली बजवाने के लिए थोड़ी बोल लेंगे, तुम ताली बजाओ। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। क्या सुनी इठ लई है लोग सब, बांट न ले को। इठलाएंगे लोग भीतर भीतर, हंसी और उड़ाएंगे, मजाक बना देंगे तुम्हारा, और तुम्हारा समाधान होना नहीं, क्योंकि जहां समाधान होना है वहां तो तुम देख ही नहीं रहे हो। समाधान एक जगह है और वो केवल इस दरबार में समाधान है। दया सागर, कृपा सागर, करुणा सागर, दीन बंधु के दरबार में समाधान हो, कहीं समाधान नहीं। द्रौपदी दुख के समुद्र में डूब रही थी, कुरुकुल की साम्राज्ञी राजसूय यज्ञ के अव्रत स्नान से जिसके केश गीले थे, उस द्रौपदी को उस सभा में जिसमें पितामह भीष्म बैठे हों, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसी विभूतियां बैठी हों, लोकपाल दिक्पालों से भी अधिक बलवान पांच पांच पति बैठे हों, गांडीवधारी अर्जुन गदापाणी भीमसेन बैठे हों, धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हों, वहां द्रौपदी की यह दुर्दशा हो रही थी। बाल पकड़कर दुशासन घसीट रहा था, वस्त्र खींच रहा था और ठहाका लगाते हुए दुर्योधन कह रहा था, पांच पांच पुरुषों की पत्नी ये तो वेश्या के समान है, इसको नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा दो। आज की घटना नहीं, 5,500 साल से भी अधिक पुरानी घटना है। द्रौपदी ने बहुत देखा, भीष्म की ओर देखा, वो भी नीचा सिर करके रो रहे थे। सबकी ओर देखा, पत्नियों की ओर देखा, लेकिन उसकी समझ में आ गया कि जो स्वयं दीन हैं, वो हमारे दुख दर्द को क्या दूर करेंगे। तब द्रौपदी ने पुनः कृपाचार्य की ओर देखा। क्यों देखा फिर से कृपाचार्य की ओर? इसलिए देखा, आचार्य तुम्हारे नाम के आगे कृपा शब्द जुड़ा हुआ है, गुरु कृपा नहीं करेगा तो कृपा कौन करेगा? अरे तुम तो इस, अरे कुछ मत, इतनी कृपा तो कर दो, आपका नाम कृपाचार्य है, इतनी कृपा तो कर दो कि हमें बता तो दो कि मेरी विपत्ति कैसे दूर हो, ये तो मुझे बताओ। हृदय पवित्र हो तो 18 अध्याय गीता सुनने की जरूरत नहीं, 7 दिन 8 दिन कथा सुनने की भी जरूरत नहीं,
हृदय निर्मल हो तो इशारे में बोध होता, संकेत में ज्ञान होता है। संपूर्ण गीता का सार है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक की शरण हो जाओ। संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का सार गीता, और गीता के 700 श्लोकों का सार भगवत शरणागति, और उस शरणागति जो रहस्य है, जो प्राण है गीता का, उसका बोध द्रौपदी को संकेत में हो। कृपाचार्य ने उंगली उठाई, ये भाव दाक्षिणात्य आचार्य श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी का है, श्री गुणरत्न कोश नामक ग्रंथ का ये भाव। एक उंगली उठाई, मानो कह दिया कि जो स्वयं दीनहीन बने हुए हैं उनकी ओर क्या देख रही है द्रौपदी, एक श्री कृष्ण की ओर देखो। और द्रौपदी ने गोविंद कहकर के पुकारा, और श्री ठाकुर जी ने वस्त्रावतार ले लिया। दुस्सासन की भुजा थकित भई घट्यो न दस गज जी। इसलिए को तुम बिन पर पीर पाई है के ही दीनता सुनावो। दूसरे की पीड़ा से दुखी होने वाला आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं। इसलिए संतों में एक कहावत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, आप सबको याद होगा, और नहीं होगा तो दुर्भाग्य है आपका, आपको याद कर लो। बोलो हमारे साथ, अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन की, सबका हो को पीर, सबका हो को पीर, तुम ही पीर सब घरन की, तुम ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। ये दोहा हमारे साधुओं में बहुत प्रचलित दोहा, हमारे अयोध्या के प्रायः रामायणी रामायण की कथा कहेंगे तो ये दोहा जरूर बोलेंगे। सुना होगा पुराने रामायणों से, याद हो गया आप लोगों को, नहीं हुआ? अपने अपने घर की, अपने अपने घरन की, सबका हो तो पीर, सबका हो तो पीर, तुम ही पीर सब घरन की, तुम ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। इसलिए हे प्रभु के ही दीनता सुनावो, आप ही बताओ आपके अतिरिक्त दीन बंधु और कौन है, दूसरे की पीड़ा को सुनकर के दुखी होने वाला और कौन है, जिसके सामने मैं दीनता निवेदित करूं। आपके जैसे तो आप ही हैं। भगवान बोले, अरे भाई तुम कहते हो हमारे जैसे तुम ही हो, अरे बहुत से संसार में कहते हैं बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बहुत अच्छे हैं। तमाम लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग संसार में होते, ऐसे थोड़ी हैं, खाली हम ही हैं। बोले हाँ हैं, संसार में जो प्रभु हैं, प्रभु माने, प्रभु माने समर्थ बड़े, जिनमें प्रभुता है, ऐसे प्रभुता संपन्न संसार में बहुत से लोग हैं, पर वो सब उनकी प्रभुता संप्रभुता बिल्कुल सीमित है। आप अपने घर के मालिक हो, आपके अपने घर में प्रभुता है, आपके घर के किसी सदस्य को दूसरे सदस्य पीड़ा पहुंचा रहे हैं और उसने आपके सामने दुखड़ा रोया, तो आप घर के मुखिया हो, तो आप उसको बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? पर पूरे नगर में आपकी चलती नहीं है, अब नगर में कोई दुष्ट बदमाश उसके पीछे पड़ जाए, आप उससे टक्कर ले ही नहीं सकते, आप क्या करोगे?
आप ये भैया क्यों उससे अटके क्यों, तुमने सुन लेते दो बात, अब हमें तो अपना धंधा व्यापार करना, हम तो तुम्हारे पीछे उस आदमी से झगड़ा नहीं कर सकते, वो तो किसी की भी जान ले लेगा, हम तुमको बचाएं कि अपने प्राण बचाएं। मान लो आपका नगर में प्रभाव है, पूरे जिले का ठेका ले सकते हो, मान लो आपका पूरे जिले में प्रभाव है, पूरे प्रांत का ठेका ले सकते हो, मान लो आपका पूरे प्रांत में प्रभाव है, पूरे देश का ठेका ले सकते हो, मान लो आपका प्रभाव पूरे देश पूरी दुनिया का ठेका ले सकते हो, दुनिया का ठेका ले तो जो बेचारे अफगानिस्तान में परेशान हो उनको बचाओ, वहीं चिल्लपों मचा रहे हैं बेचारे, उनके क्या बीत रही होगी उनको पूछो, किसी के सामने मत रो। जीवन में संकट आवे तो केवल इनके सामने रो। दीन दयाल वीरज संभारी, दीन दयाल वीरज संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। कोई संकट जीवन में नहीं रह जाएगा क्योंकि सब उनके हाथ में। देखो सब बात समझने की है। ध्रुव की माता सुनीति के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ध्रुव जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कर्तव्य क्या था सुनीति माता का? लोक की दृष्टि से सुनीति माता का कर्तव्य था कि वह ध्रुव जी का हाथ पकड़ के अपने पति उत्तानपाद के पास जाती, कहती तुम राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो और मेरे पति हो और इसके पिता हो, अपनी पत्नी के साथ न्याय करो, अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ न्याय करो, अब मैं कुछ नहीं तो प्रजा हूं, प्रजा के साथ न्याय करो। क्या जो व्यवहार तुमने आज तक मेरे साथ किया है, मेरे पुत्र के साथ किया है, क्या यह न्याय है? केवल इतना कह दो। ये कहना चाहिए था सुनीति को दरबार में जाकर, महल में जाकर। सुनीति ने सोचा ये क्या सुनेंगे हमारी, जो मेरे पुत्र के प्रति दुर्व्यवहार कर रही थी सुरुचि, और एक बार भी उसको ये न रोक सके कि किसी का भी बालक गोद में बैठ सकता है, मेरा ही पुत्र मेरी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता, भला मेरे मुझसे क्या न्याय करेंगे? तब जब आपसे हमें न्याय की आशा नहीं है तो आपसे जो बड़े होंगे उनका उनके पास जाएंगे, तो हम मनु महाराज के पास जाएंगे कि हे मनु महाराज, आप हमारे ससुर जी हो, आपने ही तो इन्हें राजा बनाया है, आखिर तो आप तो जीवित हो ना, आप हमारे साथ न्याय करो। तो मनु जी कहेंगे भाई जब तक हम राजा थे तब तक हमारा सब था, अब तो हम निमिषारण में आके तपस्या कर रहे हैं, अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, जिसका है उसको देखो हमारा। तो सुनीति ने सोचा कि वहां भी मुझे समाधान तो मिलेगा नहीं, मान लो मैं ब्रह्मलोक चली जाऊं अपने ददिया ससुर के पास, मनु जी पुत्र है ना ब्रह्मा जी के, ब्रह्मलोक तक पहुंचकर मैं फरियाद करूं, पुकार करूं, प्रार्थना करूं कि देखो महाराज, ना आपके बेटा मनु हमारे साथ न्याय कर रहे हैं, ना आपके पोता उत्तानपाद हमारे साथ न्याय कर रहे हैं, मेरे साथ आप न्याय कीजिए, आप विधाता हो न्याय करो। तो विधाता क्या कहेंगे, वो भी कहेंगे देवी हम तो ब्रह्मलोक में रहकर सृष्टि करते हैं, अब सृष्टि में कोई न्याय करे अन्याय करे हम थोड़ी सबका ठेका लेते हैं, जो जैसा करेगा वो सब भोगेगा, हम तुम्हारा फैसला नहीं कर सकते।
तो इतनी बुद्धिमती थी सुनीति कि उसने समझ लिया कि ब्रह्मा जी के दरबार में भी मुझे निराश होना पड़ेगा। अंत में ब्रह्मा जी के यहां भी जब नहीं सुना जाएगा तो कहां जाना पड़ेगा, बोलो। अंत में भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो जब घूम फिर के अंत में भगवान के पास ही जाना तो 10 दरवाजे भटकने की क्या जरूरत, सीधे भगवान के पास क्यों ना जाऊं। ध्यान में आई बात, 10 जगह ठोकर खाने की क्या जरूरत है, सीधे भगवान के पास जाओ। ये राघवेंद्र दास जी बैठे हैं, एक साधु को कुछ नियंत्रित करने का विचार हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने किया। महाराज जी तो आजाद शत्रु थे, उनमें किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन उसने महाराज जी की जो हितकारी सलाह थी उसे विष के जैसा माना और महाराज जी ने एक ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट के उत्तर में एक दूसरा ट्रस्ट बना दिया और महाराज जी के ट्रस्ट को नकली ट्रस्ट कह दिया कोर्ट में, और कोर्ट से महाराज जी के पास नोटिस आ गया। महाराज जी मलुक पीठ में थे उसे, याद है आपको, महाराज जी के पास नोटिस आ गया, हमको भी उस ट्रस्ट में कुछ बनाया गया था, इनको भी बनाया गया, याद है, आप तो मूड हिला रहे, ये भी थे वो भी हम भी थे, इसलिए जो सही सही बात सो बता रहे हैं। मैं वो नोटिस लेके महाराज जी के पास, महाराज जी अब जैसा हो रहा था वैसा होने देते, बोले भाई हमसे लोगों ने कहा और मैंने जो कर्तव्य होता था उसके अनुसार मैंने किया। उन्होंने कहा महाराज जी अब क्या किस वकील को करेंगे तैयार, कोर्ट केस होगा, इसको उत्तर तो देना पड़ेगा ना, नोटिस आया तो उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो महाराज जी मुस्कुराए, बोले देखो पंडित जी किसी अदालत में किसी का कोई फैसला नहीं होता है, सब अदालतों में बड़ी अदालत हमारे रघुनाथ जी की अदालत है, हमने रघुनाथ जी की अदालत में प्रस्तुत कर दिया है, बस इतना कह के चुप हो गए। डायरी में राम नाम लिख रहे थे, राम नाम लिखने लगे, एकदम हल्के से लिया उसको और बोले हमने रघुनाथ जी की अदालत में अर्जी प्रस्तुत कर दी है, जो होना हो सो। तो स्वाभाविक है जब उत्तर नहीं मिला तो जो सही था वो गलत मान लिया गया, जो गलत था वो एक तरफा फैसला हो गया कि नहीं, यही तो होता कि नहीं भाई, हमारे विरुद्ध है तो हमको जाना चाहिए कोर्ट में कि भाई गलत है, महाराज गए नहीं तो उस पक्ष में फैसला चला गया। पर जिस पक्ष में फैसला गया उसमें ऐसे बदमाश को सम्मिलित किया गया था, उसी ने उनको उस साधु को पीट करके निकाला, फिर वो आया महाराज मेरे साथ ऐसा हो गया, आपने दिया था स्थान से निकाल लिया। महाराज जी उसका पक्ष लेने फिर चले, बोले कोई बात नहीं उसी को रख, ऐसे जाते शत्रु महाराज। लेकिन उधर से अपना मन हमेशा के लिए महाराज जी ने हटा लिया, उसका परिणाम हुआ कि स्थान जो श्री संपन्न दिखाई पड़ता था वो श्रीहीन जैसा हो। ये महापुरुषों के निकट रहकर देखा है, अंतिम फैसला ठाकुर जी की अदालत। रमण रेती वाले महाराज जी ने अभी कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने कहा महाराज आपको हम क्या कहें, बड़े से बड़ा नुकसान सहकर भी अपनी साधुता का नुकसान नहीं करना चाहिए, साधुता के नुकसान से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। जिस संसार की वस्तु को हम नुकसान समझते हैं वो तो नष्ट होने वाली, उसका क्या नुकसान होना, ना उसके लाभ की कोई महिमा है ना उसकी हानि की कोई महिमा है, पर हम अपने स्वरूप से च्युत हो गए, हमारी साधुता चली गई, ये सबसे बड़ी हानि हुई, इससे बड़ी हानि हुई। तो गोस्वामी जी कहते कही दीनता सुनामो,
दूसरों के दुख को सुन करके द्रवित होने वाला आपके अतिरिक्त और कौन है जिसके सामने मैं अपनी दीनता रोऊं, दीनता सुनाऊं? आप दीन बंधु हैं तो रोऊंगा, तो आपके सामने रोऊंगा, क्योंकि प्रभु अग्रपालु। संसार में प्रभु हैं, समर्थ लोग हैं, पर वे अकृपालु, सामर्थ्यवान तो हैं पर उन कृपा नहीं करते। कृपा करते भी हैं तो बहुत सीमित कृपा करते हैं, असीमित कृपा। खुद ही बिचारे, एक फकीर था, उस फकीर को बादशाह ने बुलाया और कहा कि हमने सुना है कि बहुत ऊंचे करामाती फकीर हैं आप, अल्लाह से आपका आपकी रोज मुलाकात होती है, तो मुझे भी अल्लाह ने बादशाहियत बख्शी है, मैं खुश हूं, कुछ मांग लो हमसे। तो उस फकीर ने, बाबा उस फकीर ने बड़े दरबार में कहा, भिखारी से क्या मांगे? क्या कहा उसने? भिखारी से क्या मांगे? इतना सुनते ही बादशाह का तो त्योरी चढ़ गई, उसकी लाल पीली आंख हो गई। भरे दरबार में सिकंदर जैसे बादशाह को भिखारी कहने की हिम्मत भला कौन कर सकता था? उसने कहा, इसको बंद कर दो काल कोठरी में। बंद कर दिया, हवालात में बंद कर दिया। बोले आज सूरज के डूबने के पहले इसकी फांसी होनी चाहिए, हुक्म की तामील हो, कौन रोकने टोकने वाला था? बोले मैं अपनी आंखों के सामने इसकी फांसी होते हुए देखना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं। पहुंच गया, बंधे हुए बेचारे फकीर को सवेरे दरबार में बुलाया था, शाम को फांसी वहां लाया। तो जिसको फांसी लगती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। उसने कहा, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं आखिरी में नमाज अदा करना चाहता हूं। मुसलमान था, अपने मत पंथ के अनुसार वो ईश्वर की इबादत करना चाहता था और मैं नमाज पढ़ अदा करना चाहता हूँ। तो बादशाह बोला कि मैं तो गुस्से में आज नमाज ही भूल गया, आज तो शुक्रवार है, आज तो जरूर नमाज अदा करनी है। अच्छा फकीर बाबा, मैं भी नमाज अदा करता हूँ। उसने भी अपना चादर बिछाया और फकीर के आगे बादशाह भी नमाज अदा करने लग गया, उसके पीछे फकीर भी अपना गमछा बिछा करके वो भी नमाज अदा। तो नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगते हैं ना, ऐसे ऐसे मांगते हैं, ऐसे ऐसे मांगते हैं, जीव निकाल के दांत निकाल के दुआ मांगते हैं। तो बादशाह ने जैसे अल्लाह से दुआ मांगी तो फकीर बहुत जोर से हंसा। वो जब फकीर हंसा तो बादशाह का ध्यान गया, उसने कहा तुम हंसते क्यों, मरने वाला तो हंसता नहीं, तुम हंसते क्यों? बोले हम इसलिए हंस रहे हैं कि झूठी बात सुनकर किसी को गुस्सा आ गई तो ठीक है, पर सच्ची बात सुनकर के गुस्सा आ रहा है इस बात से मुझे हंसी आ रही। क्या सच्ची बात? बोले अभी तुम क्या कर रहे हो, ऐसे मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे? मांगना किसका काम है? भिखारी का काम है। इबादत मैंने भी की है पर मैं खुदा से भी कुछ नहीं मांग रहा। क्या कहा उसने? अब तुम बताओ कि बादशाह कौन है और भिखारी कौन है? तू अपने को बादशाह कहता है, अल्लाह ने तुझे बादशाहियत बख्शी है,
इतना दिया उसके बाद भी मर रहा है, मांग रहा है और देखो और दे और लाओ और लाओ। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं एक टाइम की रोटी भी, एक टुकड़ा रोटी का टुकड़ा भी नहीं मांगता। मैं अल्लाह से कहता हूं बस तुम जहां भी रहो वहां मौज में रहो। मैं उनको भी देता हूं, लेता उनसे भी कुछ नहीं। तुमने फांसी का हुक्म दिया पर मैंने अल्लाह से ये भी प्रार्थना नहीं की कि वो मुझे फांसी से बचा ले। क्यों? क्योंकि मैं जिसकी इबादत करता हूं मुझे पता है उससे अधिक करुणा, उससे अधिक क्षमा, उससे अधिक दया और इस ब्रह्मांड में, इस जहान में और किसी के भीतर नहीं। फांसी में मेरा हित होगा तो फांसी हो जाएगी, फिर मैं उससे कहूं क्यों कि मुझे फांसी से बचा ले। ये बात हमने अपने पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से सुनी, कथाएं हम सुनाते नहीं पर पता नहीं कैसे हमारे मुंह में आ गई। महाराज जी से सुनी हुई बात सुना रहे हैं आपको। तो उसने, बादशाह ने अपना ताज उतार करके चरणों में रखा कि मैं आपसे दुआ की भीख मांगता हूँ, अपनी गुस्ताखी के लिए आपसे माफी की भीख मांगता हूँ। तो फकीर फिर जोर से हंसा, बोले अभी तो तुम इतने नाराज हो रहे थे फिर हमसे भीख मांगने लगे, अब बोलो भिखारी कौन है, बादशाह कौन है। बोले बाबा सच्चे बादशाह आप हो, इसलिए चाह गई चिंता मिटी। श्री रसिक माधव दास जी शायद आ गए हैं, कहां बैठे हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिनको कछु नहीं चाहिए वे सहनसार। जग बुरे लग रहे जिसको कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए वही सहनसार है, और ऐसे निष्काम भक्तों के हृदय में ही भगवान है। जिनको कबहु न चाहिए कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सोरा उर निजगे। इसलिए प्रभु अग्रपाल संसार में जो प्रभु है ना वो कृपालु नहीं अकृपालु, वो कृपा करने ही नहीं जानते, क्योंकि जो स्वयं कृपा की भीख मांगता हो वो दूसरे पर कृपा क्या करेगा। इसलिए वो लायक ही नहीं है कि हम उनकी शरण में जाएं, उनके सामने दुखड़ा रोवे। अलायक वे संसार के कृपालु इस लायक नहीं है कि उनके सामने अपने दुख का निवेदन करें। फिर भी यह भाग्यहीन जीव पता नहीं कहां कहां अपना मन ले जाता है, वो हमारा दुख दूर कर देंगे, वो कर देंगे, वहां चला जाऊं वहां चला जाऊं, वो नहीं तो वो कुछ करेंगे, वो नहीं तो वो कुछ करेंगे, ऐसा समझ करके मैं तो मौन हो रहा हूं। इसलिए कहीं ब्रह्म कहा में क्या गाऊं। और भगवान मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं आपके अतिरिक्त किसी के सामने अपनी दीनहीन दशा सुनाऊं तो भी समाधान तो होना नहीं। क्यों? गोपद बूढ़ी वे जोग कर्म कर। मेरी स्थिति ऐसी है, आओ यहां आ जाइए, यहां सामने। यहां हवा तो लगे, गोस्वामी जी कह रहे हैं गोपद बूढ़ी वे जोग कर्म कर। हमारे कर्मों की ओर आप देखेंगे तो
तो मेरे कर्म ऐसे हैं। देखो पहले ये बात सुन लें, ये गोस्वामी जी की स्थिति नहीं है। क्या गोस्वामी जी की स्थिति है? ये हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों की स्थिति है कि हमको डूबने के लिए किसी नदी की, पोखरा की, समुद्र की जरूरत नहीं है। हमारे कर्म ऐसे हैं कि गाय के खुर से जो गड्ढा हो जाता है उतने पानी में भी हम डूब मरेंगे। उतना पानी हमारे मरने के लिए पर्याप्त है, ऐसे हमारे कर्म हैं। पर मैं लोगों के सामने अपने आप को कैसा प्रमाणित करता हूं? मैं लोगों के सामने अपने आप को प्रमाणित करता हूं बातन जलधि थहावो, ऐसी गंभीर ज्ञान वैराग्य भक्ति की बातें करता हूं कि मानो इस गंभीर प्रेम सिंधु की थाह लेने वाले यही दिव्य महापुरुष। और व्यक्तिगत जीवन ऐसा है कि समुद्र में और पोखरा में और तालाब में डूबने की जरूरत नहीं है। एक चुल्लू जल में भी डूब मरूं, ऐसी हमारी स्थिति है। हे नाथ, मैं दूसरों के सामने निर्लोभता की बातें इसलिए करता हूं कि वो अपना धन के प्रति लोभ लालच छोड़ के हमको दे दें। हमारे महाराज जी कई बार बड़ी सुंदर बात करते, हम कहते महाराज जी हाँ, बोले ये संसार मिथ्या है, नाशवान है, कुछ नहीं है, सार नहीं है, ये बातें बार बार कथाओं में क्यों कही जाती हैं व्यासपीठ से? तो महाराज जी कई बार विरोध में बहुत अच्छी बात कही जाती, महाराज जी बोले इसलिए कही जाती हैं कि बेकार चीज है, तुम रख के क्या करोगे, सब यहाँ दे जाओ। महाराज जी बोले ये सब बातें इसलिए कही जाती हैं कि सब नाशवान है, व्यर्थ है, खराब चीज है, क्या करोगे, यहाँ रख दो, हम बढ़िया उपयोग करेंगे। बातन जलधि थहावो, ऐसी बढ़िया बातें करता हूं कि मानो थाह ले रहा हूं समुद्र की। अति लालची, लालची नहीं, अति लालची, बढ़िया चीज देखो लालच आ जाए, ये चीज हमें मिलनी चाहिए। काम किंकर मन, जनता में तो हमने प्रसिद्धि, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोरीलाल कुंज बिहारी जी महाराज की जय। अति लालची काम किंकर मन, हमारा मन लालची नहीं अति लालची। अति लालची काम किंकर मन, खाने पीने भोगने की वस्तुओं को देखकर तो लालच होता है मन, ये चीज हमको मिल जाए। और संसार में हमने प्रसिद्धि करवा रखी है कि हम रामदास, कृष्णदास, माधवदास, गोविंददास, नारायणदास, केशवदास, ये प्रसिद्धि हमने करवा रखी है। पर ईमानदारी से हम कामदास, क्रोधदास, कंचनदास, कामनीदास बने। हे प्रभो, ये मेरी अंतःकरण की स्थिति है, पर क्या कहूं, मुख राव रो कहा, पर जिह्वा से तो मैं यही कहता हूं कि बुरे से बुरा हूं, चाहे जैसा हूं, कुटिल हूं, कपटी हूं, क्रोधी हूं, लालची हूं, कंचन कामनी का दास हूं, पर बुरे से बुरा होने पर भी नाथ में आपका ही। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त और कौन ऐसा है जिसके सामने अपने हृदय की व्यथा हो?
ये समाधान आपके अलावा करेगा कौन? किसके सामने? इस मुख से मैं बार बार यही कहता हूं, मैं आपका आपका। देखो भैया, ठाकुर जी श्री जी और कुछ नहीं चाहते, इतना कहना शुरू कर दो, हम जैसे हैं बस, जो हम भरे भले बुरे सो दे। भगवान बोले तो रो क्यों रहे हो फिर? तब तो बुरे हो तो भले हो तो हमारे हो, हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमने तो कहा ना तवास्मीति च याचते, तो हमने तो स्वीकार कर लिया, फिर तुम रो क्यों रहे हो? बोले क्या करें महाराज, मन में कुछ रो गा करके कुछ बोल देते हैं तो कहने से भी कुछ दुख कम हो जाता है, नहीं होता है? दूसरे की बात जाने दो, आप हृदय से किसी से प्रेम करते हैं और आप ये समझते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उनका भी हमसे निस्वार्थ प्रेम है, तो उनके सामने हम अपने मन की बात रखेंगे तो कुछ दुख मन हल्का होगा कि नहीं होगा? अब मैं अपने दुख को, कोई हमारे जीवन में समस्या है, पीड़ा है, गोरीलाल जी वाले महाराज जी के सामने रखें, ये हम जानते हैं कि इनका चिंतन बिगड़ेगा, ये दुखी होंगे, लेकिन फिर भी हम इनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? संतों से, गुरुजनों से, भगवान से आप अपने मन की पीड़ा नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हमने देखा हमारे महाराज जी के पास बुंदेलखंड की माताएं आती और अपने घर गृहस्थी की लड़ाई झगड़े सुनाती, और महाराज जी ऐसे सुनते आंख मूंद करके जैसे राजपंचाध्यायी सुन रहे। मेरे सामने की बात सुना रहा हूं मिश्रा जी, तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये सब आप मना भी नहीं करते हैं, घंटों बैठ के सुना रही है, बहू ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा हो गया, वो गया, हमारे हिस्सा में कछु नहीं दो महाराज, हमारे साथ बहुत बुरो बोले। महाराज जी हिस्सा बंटवाने जाएंगे, एक मैया बोली ऐसी जमीन मिली लूअर नहीं पजत, माने वहां कुछ भी पैदा नहीं होता, लूअर नहीं पजत। महाराज जी खूब प्रेम से सुनते, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, मंगल होगा। महाराज कछु बता दो हमारा दुख, बोले विभीषण शरणागति किया करो, उसी से सब ठीक। हमने महाराज जी से कहा महाराज जी आप इनकी क्यों सुनते? महाराज जी बोले ये बेचारे दुखी प्राणी हैं, अपने मन का दुख कहने से भी हल्का हो गया, कोई बात, इससे इनका मन हल्का हो गया, बस इस यही हमारी उपलब्धि है, इनका मन हल्का हो गया। बोले तुमको परेशानी हो रही है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, अपने गुरुजनों से सुख भी सुनाओ और दुख भी सुनाओ। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं हरि गुरु संतों के आगे न रोऊं तो किसके आगे रोऊं? क्योंकि कहने से भी कई बार दुख कम हो जाता है। तुलसी प्रभु जी की जानत सब, अरे मैं जानता हूं कि सुनाने की जरूरत नहीं, प्रभु जानत सब, बिना ही जनाए जानते हैं आप, लेकिन अपनों कछुक जनावो, फिर भी मैं सोचता हूं कि कुछ तो अपने मन की पीड़ा कह दूं आपके सामने। अब राम जी बोले कि अच्छा ऐसा है, अब हम बहुत खुश हैं तुम्हारे ऊपर, अब तुम कह दो चाहते क्या उसको कहो, आज ही घास काट देते हैं तुम्हारी, जो जाओ क्या चाहते, बस यही तो बात है, कुछ नहीं चाहते, क्या चाहते, कुछ नहीं चाहते। सो की जय जेही भांति छाड़ी छल द्वार परो गुण गाओ, बस आप इतनी कृपा कीजिए आपके द्वार पर पड़ा पड़ा आपका नाम रूप गुण लीला को गाता रहो और कुछ नहीं चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय।
महाराज जी ठाकुर जी श्री जी के द्वार पर पड़े पड़े ठाकुर जी का गुणगान गाना, निरंतर उसी में डूबे रहना, क्या इससे बड़ी भी कोई उपलब्धि है क्या? हम चाहे जैसे हो पर दरबार में बैठकर आपका कुछ गुणगान करते रहे, बस इतना आप कृपा करके दे दें, कुछ नहीं चाहे। इन्हीं शब्दों के साथ इस पद के परिसमाप्ति के साथ ही आज के सत्संग सत्र की समाप्ति होती है। ठाकुर जी ने चाहा तो कल 233वां पद मनोरथ मन को एके भांति इस पद की चर्चा। जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन जय जी गोवर्धन जय ब्रज धाम जय गोवर्धन जय ब्रज धाम श्री यमुना जी अति अभिराम श्री यमुना जी अति अभिराम जय बरसान जय रावण को रावण को तुल ललित लला जय ब्रज मंडल जय ब्रज धाम जय ब्रज मंडल जय ब्रज धाम श्री यमुना जी अति अभिराम श्री यमुना जी अति Yeah.